आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। तस्वीरों में दिख रही ये कार शूटिंग खिलाड़ियों की है, जिनमें सवार होकर आज तीनों खिलाड़ी एनआरआई के ऑफिस तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल इलाके में आए हुए थे। तभी इनके कार का शीशा तोड़कर अपराधियों ने कार में रखे खिलाड़ियों के बैग लेकर फरार हो गए। खिलाड़ियों के नाम है दीपक आर्य जो कि सिल्वर मेडलिस्ट है, दूसरी काजल सैनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है, और तीसरे रवि राठी जो कि राष्ट्रीय शूटर खिलाड़ी है। ये तीनों खिलाड़ी आज कार में सवार होकर ऑफिशियल काम की वजह से एनआरआई ऑफिस में आए हुए थे। गाड़ी को ऑफिस के बाहर नीचे खड़ा करके अपने ऑफिस गए थे, तभी अपराधियों ने शीशा तोड़कर इस घटना को अंजाम दे दिया। तो क्या हुआ था जी? हम अपने कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए अपने एसोसिएशन ऑफिस में गए थे ऊपर, तो इतने में हमें नीचे से खबर आई कि हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है किसी ने। तो हमने नीचे आके देखा तो वही हमारी गाड़ी में राइफल थी, तो राइफल तो हमारी सेफ थी, लेकिन हमारे तीन बैग थे जो कि दो तीनों की तीनों गाड़ी में मौजूद नहीं थे। बैग में हमारे काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ग्रेजुएशन 10th 12th मार्कशीट एंड ओरिजिनल थे सभी, और सारे हमारे खेल के जितने भी सर्टिफिकेट है सारे थे। हमारा सारा प्रमाण था कि हमने आज तक कहाँ कहाँ क्या क्या खेला है, और दीपक भाई के में फॉरेन करेंसी थी, यूएस डॉलर थे, और भी काफ़ी राइफल का सामान था जरूरी जो कि बैग में मौजूद थे। तीसरी साथी हमारे काजल सैनी थी, और उसके बैग में 200 लाइव राउंड थे जो हम शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 400 खोखे थे खाली जो शॉट चलाने के बाद, राउंड चलाने के बाद बच जाते हैं, जो हमें NRI में, मतलब हमें अपने आर्मरी में जमा करवाने थे आज, लेकिन हम अपने NRI से काम करवा के सीधा आर्मरी जाने वाले थे जमा करवाने के लिए, लेकिन बीच में ही वो हो गया तो हम अभी सीधे थाने आए। तीनों खिलाड़ियों के जो बैग चोरी हुए हैं उनमें से एक बैग में शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला लाइव 200 कारतूस और 400 कारतूस के खोखे थे जो कि शूटर खिलाड़ियों काजल सैनी के थे। वहीं रवि राठी के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके बैग में ही थे। वहीं दीपक आर्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सिल्वर मेडलिस्ट है, उनके बैग में भी जरूरी सामान और अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपए उनके बैग में था। तीनों बैगों को लेकर चोर फरार हो गया है। अपने एसोसिएशन राइफल एसोसिएशन में कुछ जरूरी काम से गया हुआ था, और उसके तहत ही मैंने पास में ही जो जगह मिली पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी की, और गाड़ी खड़ी करके जैसे ही मैं अंदर काम करवाने के लिए गया तो थोड़ी देर में सूचना मिली कि मेरी गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ दिया है, और आकर के देखा तो मेरे जो साथी खिलाड़ी हैं उनके दो बैग और मेरा एक बैग उस बैग गाड़ी में से चोरी हो चुका था, जिसमें कि बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें थी, जैसे मेरे जो साथी खिलाड़ी हैं उनका पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट और वोटर ID, शूटर ID, इवन आधार कार्ड वगैरह, जो भी एक भारतीय नागरिक होने का सबूत होता है वो सब कुछ उस बैग के साथ में मेरे साथी खिलाड़ी का चला गया। और मेरा जो थोड़ा बहुत सामान US डॉलर वगैरह उस बैग के अंदर थे वो भी उस बैग के तहत चोरी करके लेके चला गया है। और जो मेरा तीसरा खिलाड़ी थे उनके बैग में 200 लाइव राउंड जो कि हम शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो, और 400 खोखे के करीब उस बैग के अंदर अवेलेबल था जो कि चोरी कर लिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अपने देश के लिए मेडल जीत के आते हैं उनके सामान की रक्षा ना हो तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। दिल्ली से अपने सहयोगी संजीव सिंह के साथ हरिकिशोर शाह की रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज दिल्ली।